रीट माता की प्रार्थना सुनी होगी। रीट में जो कबाड़े किए हैं, पैसे दो और मास्टर बन जाओ। जो पढ़े मेहनत करे वो किसान पुत्री चला या बाणगंगा में बजरी निकाल, और जो पैसा दे वो स्कूल में कुर्सी पर बैठ के मास्टरी करे डंडा चाहे। इसमें ही नहीं हुआ, थानेदार की परीक्षा हुई, अब मैं उसका भी घोटाला उजागर करने वाला हूं। सी करके एक ही गांव से जो अकबरपुर के बराबर है, एक ही छोटे से गांव से 11 थानेदार बन गए, 11 और होल्डर रह गया और बड़ी कमाल हो रही है। ऐसे जेल में घोटाला हुआ है, ऐसे लाइब्रेरियन में हुआ है, ऐसा एवियन में हुआ है। तो ये जो नेता है ना, मैं कुछ कांग्रेस के भाई बहनों मेरा मत मानना, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं सरकार की कर रहा। और आपने देखा होगा, मैंने सब जगह बता दिया कि पेपर कहां से लीक हुआ, शिक्षा सेक्टर ने बता दिया, प्रदीप पारासर ने किया, रामकृपाल मीणा ने किया, बोर्ड के अध्यक्ष ने किया, सब समय बता दिया। और जब एसओजी ने जांच छोटी मछली तो पकड़ दी, लेकिन बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े, तो मैं पुलिस के उस एसओजी के डीजी के पास जाके बैठ गया। एक मगरमच्छ पकड़ा और उसने 10 मगरमच्छों के नाम बताए, लेकिन एसओजी नाम उजागर नहीं कर रही है। क्यों? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जारोली जिसको बर्खास्त किया, उसने बर्खास्त होते ये कहा कि बड़े राजनेताओं का हाथ है इसमें, मैं तो बलि का बकरा बनाया गया हूं। अब बड़े राजनेताओं का हाथ है तो अगर जांच सीबीआई को दे दी जाती है तो एमएलए मंत्री कलेक्टर आईएएस आईपीएस सब जेल में होंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए गहलोत साहब सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते, अपनी पुलिस से जांच कराना चाहते हैं जिससे मामला दब जाए। कई एमएलए इसमें, कई अफसर है, कई मंत्री है, उन सबके नाम अगर एसओजी जाहिर नहीं करेगी, उजागर नहीं करेगी, तो मैं उजागर करूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मास्टर की नौकरी लगाने में 500-600 करोड़ का घोटाला सरकार और सरकार के अधिकारी ने किया है।